नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। खबर है जनपद अंबेडकर नगर से। अंबेडकर नगर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर जनधन यात्रा को रवाना किया। वहीं जेपी नड्डा ने योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए जनता से एक बार फिर भाजपा सरकार बनाने की अपील की। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इशारों में सपा एवं बसपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्ष 2022 में 300 सीट से हम यूपी में सरकार बनाएंगे। वही जनसंदेश यात्रा में शामिल आलापुर की विधायक अनीता कमल, पूर्व विधायक त्रिवेणी राम, शाहिद अंसारी, दिनेश पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष अंबेडकर नगर मितलेश एवं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंडिया 24/7 लाइव टीवी से राजकुमार मौर्य की रिपोर्ट। आप शुरू करो नेशनल कॉन्फ्रेंस परिवारवाद की पार्टी, पीडीपी परिवारवाद की पार्टी, हरियाणा में आओ परिवारवाद की पार्टी, साउथ में जाओ परिवारवाद की पार्टी, बंगाल में जाओ परिवारवाद की पार्टी, उत्तर प्रदेश आओ तो परिवारवाद की पार्टी। मेरा बबुआ, बाकी कोई नहीं और कोई नहीं, ये परिवारवाद की पार्टियां हैं और हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये लेकर के चलते हैं।